हेस लॉ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बोर्ड्स के लिए बहुत पूछता है, ये बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिशन वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं जेई नीट और MSTCT, इन तीनों में काफी हद तक ये पूछा जाता है। Hey guys, welcome back to GKP 360। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है, जिसका नाम है हेस लॉ। ठीक है, केमिस्ट्री का है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फिजिक्स वाला भी करवाएंगे जल्दी से। हेस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। आप बोलेंगे सर ये हेस लॉ होता क्या है? बेटा बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको एक चीज़ बता देंगे, एक ट्रिक बता देंगे, फटाफट आप लोग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ पास आप लोगों ने डेल्टा एच के बारे में तो पढ़ा ही था, एंथैल्पी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही था, ठीक है, आप लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। डेल्टा एच एफ का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या देखा था बेटा? HP-HR। ये कंबशन का फॉर्मूला बेटा होता है HR-HP, याद रखना। इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट, ये दोनों फिलहाल इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन ऐसा शॉर्टकट इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोग को हेस लॉ लगाना है। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि कहां पे यूज कर सकते कहां पे नहीं यूज कर सकते, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको यहां पे दिया हुआ है कि ए गिव्स सी, ए जो एक रिएक्टेंट है वो सी कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, आपने बोला अच्छा, तो हमको मालूम है कि भाई ए डायरेक्ट सी तो बनता नहीं है, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं कि भाई पहले ये बना फिर उसके बाद ये बनेगा तब जाकर कहीं सी बनता है। तो अगर हमने बोला कि भैया ए से बी बना, फिर बी से क्या बना बेटा? सी बना। ए से बी बना, बी से सी बना, अगर दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाए, और अगर ए से बी बना तो कुछ ना कुछ डेल्टा एच वन होगा, कुछ ना कुछ एंथैल्पी इसकी होगी, और अगर बी से सी बना तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी इसकी भी होगी, सही बात है कि नहीं? कुछ ना कुछ एंथैल्पी, और इसकी एंथैल्पी मान लीजिए कि डेल्टा एच रही होगी, टोटल ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा एच एंथैल्पी कुछ रही होगी, बराबर। और जब वो ए से बी बना तब उसकी एंथैल्पी डेल्टा एच वन रही होगी, और जब वो बी से सी बना तब उसकी एंथैल्पी डेल्टा एच टू रही होगी। अच्छा, अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इस तरफ वाले सब कट जाते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट की तरफ है और प्रोडक्ट की तरफ है वो काट दिए जाते हैं, बिकॉज मान लो कि समझ लो कि बी इधर आके माइनस बी बन जाएगा तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, वैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो रहता है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? वो कट जाते हैं, जो कॉमन रहता है वो कट जाते हैं, उस तरफ रिएक्टेंट इस तरफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो कट जाता है। या तो आप ऐसा ही मान सकते हो कि बी इधर आया तो माइनस बी बन गया, तो माइनस बी प्लस बी जो है वो कैंसिल हो गया। तो हमने जब दोनों को जोड़ा तो ए क्या बना बेटा? ए बना सी, और इसका जो टोटल एंथैल्पी रहेगी, तो आप बोलेंगे सर इसको कर दीजिए डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। तो जब दोनों की एंथैल्पी को बेटा हम लोग जोड़ेंगे ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा डेल्टा एच। समझ में आ रहा है? हम लोग को बेटा इधर क्या मिलने वाला है? हम लोग को मिलेगा डेल्टा एच। इसका अगर स्टेप्स की एंथैल्पी को जोड़ दिया जाए तो हम लोग को ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाती। समझ में आ रहा है? ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाती है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं 2-3, वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो एकदम से ही क्लियर हो जाएगा करना क्या है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और फिर जो है हम लोग इसका स्क्रीनशॉट, हम लोग क्यों स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, हम सब मिल करके एक स्क्रीनशॉट लेते हैं खचक, ठीक है। चलो इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको फिलहाल के लिए रब कर देते हैं, मजेदार, ओके। इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो इसको भी रब कर देते हैं और फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ 2-3 निकाले हैं यहां पे बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2, जहां पे डेल्टा एच वन इसके लिए है -26 किलो जूल्स, फिर FeO प्लस CO
gives Fe plus CO2 डेल्टा एच टू इसके लिए है -16 kJ. फाइंड डेल्टा एच फॉर Fe2O3 प्लस CO गिव्स 2FeO प्लस CO2. आप लोग बोलोगे सर करना ही क्या है, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू कर देते हैं डेल्टा एच मिल जाएगा. नहीं बेटा, इधर थोड़ा ध्यान देना कि क्या कोई चीज बैलेंस है यहां पे. ये दोनों स्टेप हुए तो फाइनल रिएक्शन ये बना, इसका डेल्टा एच पता करने बोला है. अब अगर आप लोग बेटा इधर देखोगे ना तो यहां पर ट्वाइस ऑफ FeO है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ FeO है. बैलेंस है? आप बोलोगे सर नहीं है. दूसरी बात देखना कि ये बेटा यहां पर किसके तरफ है, प्रोडक्ट के तरफ है. ये यहां पे बेटा किसके तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है, तो साइन भी अलग अलग होगी. सही बात है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को. -2 से क्यों, -2 से ठीक है बेटा, जो फाइनल रिएक्टेंट में आपको दिया हुआ है, जरा माइक इसको अंदर समेट लू नहीं तो आज तो ये मुझे लेक्चर बनाने देगा नहीं. ठीक है, तो जो जो आपके फाइनल रिएक्टेंट में है, फाइनल रिएक्शन में जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आपको बैलेंस करके देखना है. यहां पे तो आप देखोगे यहां पे ट्वाइस ऑफ FeO के लिए पूछा है डेल्टा एच, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ FeO था, और यहां पे जो है फाइनल में वो प्रोडक्ट की तरफ है, यहां पे बेटा वो रिएक्टेंट की तरफ है. तो हमने क्या बोल दिया, 2 का तो फर्क ही फर्क है, साथ में माइनस साइन भी डालेंगे बिकॉज इधर प्रोडक्ट है इधर रिएक्टेंट की तरफ है. चलो ठीक है, बढ़िया बात है. और कोई चेंजेस यहां पे होने वाले हैं क्या बेटा, और कोई चेंजेस यहां पे करने वाले हैं? इधर CO है 3CO, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ CO बनेगा. ओके, तो यहां पे हमारा काम हो गया बस इतना, बाकी सारे की सारी चीजें हमारी क्या है, वो बैलेंस है. सारी की सारी चीजें क्या बेटा, बैलेंस है. अच्छा, हमें मालूम है कि डेल्टा एच क्या होता है बेटा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा H2. बढ़िया, तो आपको मालूम है कि डेल्टा H1 कितना बेटा, -26 प्लस डेल्टा H2 बेटा कितना हो जाएगा, -2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो ये डेल्टा H भी किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, -2 से होगा बिकॉज ये पूरा का पूरा इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हुआ, -2 से. तो माइनस माइनस बेटा कितना हो गया, प्लस, तो ये +32 हो गया. -16 × -2 कितना हो गया बेटा, +32. क्यों -2 से मल्टीप्लाई है, बिकॉज़ ये पूरा का पूरा इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हुआ बेटा, -2 से मल्टीप्लाई हुआ है. तो अब इधर क्या है, -26 + 32 = +6 kJ. समझ में आया? तो टोटल डेल्टा एच बेटा आपका इधर कितना हो गया, +6 kJ हो गया. बाकी सारे बैलेंस थे, कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, सिर्फ 2FeO का मसला था वो हो गया. आप लोग बोलोगे सर CO कैसे आया, बेटा ध्यान दो ना कि अगर ये -2 पूरा इससे मल्टीप्लाई होता है, ये -2CO हो जाएगा, तो 3CO -2CO, CO ही तो देगा आपको. समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर ये -2FeO -2Fe भी हो जाएगा, तो +2Fe -2Fe कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हम लोग को देखो इधर Fe चाहिए भी नहीं, हम लोग को इधर Fe चाहिए भी नहीं. फिर इसकी बात कर लो बेटा, 3CO2 तो पहले से ही था, तो -2 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो क्या हो गई है, -2CO2 हो गया, तो 3CO2 -2CO2 सिर्फ और सिर्फ CO2 देगा. ठीक है, और Fe2O3 तो Fe2O3 एज इट इज वहां पे रहा. समझ में आ गया, इतनी सिंपल वाली बात है. फिर आप बोलोगे सर -2FeO, तो -2FeO उस तरफ जाके +2FeO बन गया, रिएक्टेंट की तरफ वो माइनस था, -2FeO आखिरी में प्रोडक्ट की तरफ आने वाला था, इधर -2FeO +2FeO हो गया. समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना है. बेसिकली आपको CO और CO2 पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है अगर आप फाइनल रिएक्शन की तरफ थोड़ा फोकस करें कि किसको बैलेंस करना है. समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब कर ले दूसरा क्वेश्चन करते ताकि आप लोग को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. ओके चलिए, रब कर रहे हैं इसको और फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं. हैस लॉ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बोर्ड्स के लिए ही बहुत पूछता है, ये बोर्ड्स में ही बहुत पूछते हैं, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिशन वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं JEE नीट और MSTCT, इन तीनों में काफी हद तक ये पूछा जाता है. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है हम लोग को, थोड़ा यहां से लिख लेते हैं कि C2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स 2CO2
प्लस 3H2O। हम लोग को इसका डेल्टा एच पता करना है, मतलब फाइनल रिएक्शन ये है। इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, CO2 and H2O आर -20 kcal, -90 kcal, -70 kcal। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग ने बेटा याद है, जब हम लोग ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जब डेफिनेशन देखा था, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था उसमें कि कंपाउंड जो बनेगा, अब यहां पे आप बोलोगे सर कोई स्टेप वगैरह तो दिया हुआ नहीं, किसको बैलेंस करे, कैसे कटेगी हमारी जिंदगी, तो बेटा इधर ध्यान दो कि जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कंपाउंड फॉर्म हुए, और कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। याद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेफिनेशन में देखा था कि वन मोल ऑफ कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोल ऑफ कंपाउंड यहां पे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो किससे फॉर्म होगा बेटा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो तुम लोग को मालूम है C2H6 कैसे फॉर्म होगा, C+H2 gives C2H6, और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, बराबर। बैलेंस करने के लिए तो हम लोग यही करते हैं, इसको किसको 2 से कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए, 6 हो जाए, और इसको 2 से कर दी, इसको 3 से, इसको 2 से, ओके। अब क्या बन रहा है बेटा, CO2, हम लोग को मालूम है कि C+O2 gives CO2, इधर कुछ बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। H2O बेटा कैसे फॉर्म होगा, H2+ ½O2 gives H2O, बेटा बिकॉज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वन मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है, याद रखो सिर्फ और सिर्फ वन मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है, तो ऐसा मत कर देना कि H2+O2 फिर गिव्स 2H2O कर देना, 2H2O नहीं ले सकते बेटा, समझ में आ रहा है, 2H2O हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते, बिकॉज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वन मोल ऑफ कंपाउंड हम लोग को बनाना होता है। हम लोग को मालूम है कि इसका डेल्टा एच बेटा कितना दिया है, -20, इसका डेल्टा एच बेटा कितना दिया है, -90, इसका डेल्टा एच बेटा कितना दिया, -70, ओके बढ़िया। अब देखो C2H6 यहाँ पे इस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है, लेकिन यहाँ पे किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है, पार्टी बदल लिया इसने, तो इसकी पार्टी सेम करने के लिए बेटा क्या करेंगे, बैलेंस तो पहले से ही है, वन वन ही है, वन मोल इधर भी वन मोल है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये ऑपोजिट की तरफ है, बिकॉज ये किसकी तरफ बेटा, ऑपोजिट तरफ है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है। CO2 की बात करते हैं, कितना CO2 इधर 2 है, तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही बात है, और इधर भी प्रोडक्ट था, इधर भी प्रोडक्ट था, तो कोई माइनस माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। H2O की बात करते हैं बेटा कितना है, 3 मोल ऑफ H2O है, इधर बेटा आपको H2O कितना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इधर भी प्रोडक्ट है, इधर भी प्रोडक्ट है, कोई माइनस साइन डालने की जरूरत है नहीं। अब टोटल ये H1 है, ये H2 है, और ये H3 है, फाइंड आउट क्या करना है बेटा, डेल्टा एच, हम लोग को मालूम है डेल्टा एच किसके इक्वल है बेटा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, इतना आसान है बेटा, एस लो। बहुत सारे लोग बोले सर अरे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस लेक्चर के तुम लोग को आसान लगने लग जाएगा, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा H1 कितना हो गया बेटा, -20, पहले से -1 से मल्टीप्लाई हो गया, +20 हो गया, +20, याद रखना है, माइनस प्लस का ध्यान देना बेटा, 2 × -90 - 180, 3 × -20 बेटा -210, तो कितना होगा 20 - 390, ये कितना होगा -370 kcal, ठीक है। तो डेल्टा एच बेटा कितना हो गया -370 kcal, समझ में आ गया, इतना आसान है बेटा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो, अभी तक तुम लोग फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन और एक टाइप का आता है, वो कंबशन की बात करता है। देखिए कंबशन वाला हम लोग कैसे करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कंबशन के ऊपर भी ध्यान देंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए अब मैं करने जा रहा हूं इसको रब, इसको रब कर लेते हैं, और फिर हम लोग करेंगे कंबशन, ठीक है। इसके लिए आप लोग को बेटा प्रीवियस लेक्चर, खासकर प्रीवियस 2 लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, तो आपको समझ में आया कि भाई ये वन मोल ऑफ कंपाउंड की सर क्या बात कर रहे हैं, और कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट की क्या बात कर रहे हैं सर, तो वो सब चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, कि 2C+H2 gives
C2H2 डेल्टा H पता करना है. इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन C2H2 आर -400 kJ, -300 kJ, -1300 kJ. एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात हो रही है बेटा, मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सीधी सी बात है, कंप्लीटली जो बर्न हो जाए. तो C+O2 गिव्स बेटा क्या, CO2. क्या देगा बेटा आपको, CO2 देगा, सही वाली बात है. और ये क्या है, इसका डेल्टा H1 बेटा कितना है, -400 kJ. बढ़िया. फिर H2+O2 क्या देगा बेटा, H2O. इधर हाफ लिख देना, बिकॉज हाफ O2 बताया मैंने, सिर्फ वन मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए. ऐसा मत कर देना कि O2 को बैलेंस करने के लिए 2 यहां पे लगा देना, नहीं 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 नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन मोल ऑफ H2O चाहिए हम लोग को. फिर ये बेटा C2H2 क्या बेटा, एक हाइड्रोकार्बन है. हम लोग को मालूम है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. तो चलिए C2H2+O2 विल गिव CO2+H2O. इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है. C2H2+O2 गिव CO2+H2O. इसका डेल्टा एच बेटा कितना है, -300 kJ. ये H2 है, इसका डेल्टा H3 बेटा कितना हो जाएगा, -1300 kJ. ठीक है. अब अगर आप लोग देखो इधर क्या क्या चीजें हैं बेटा, कार्बन देखो इधर ट्वाइस है, इधर एक ही है, तो पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. तो दोनों ही रिएक्टेंट की तरफ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. H2 की बात करें बेटा, सेम है, तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही है, मतलब दिखने के लिए लिख दिया मैंने. C2H2 की बेटा अगर बात करें, C2H2 इधर प्रोडक्ट की तरफ है, इधर रिएक्टेंट की तरफ है, क्या करेंगे बेटा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इससे बिकॉज उल्टे तरफ है, इधर प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए. अब बेटा क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच. डेल्टा H1 के लिए क्या, डेल्टा H के लिए क्या होता है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. डेल्टा H1 बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो -800 हो जाएगा, ये -800. डेल्टा H2 बेटा -300 ही रहेगा. अब इधर देखना, ये -1 था, -1 इंटू -1300 कितना, +1300 हो जाएगा, +1300. ये कितना हो गया, -1100 +1300 इज इक्वल टू 200 kJ. कितना डेल्टा एच हो गया बेटा इसका, 200 kJ हो गया. इतना आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था. 2 इंटू -400 -800 -, इधर ये हो जाएगा प्लस. ओके, इधर प्लस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, -, प्लस आ रहा है, नहीं माइनस ही था, अच्छा प्लस ही था, तो -1300 सही है, ठीक है, इधर प्लस हो रहा था. ओके चलो, तो -1100 +1300 कितना गया बेटा, 200 kJ. तो इस तरीके से बेटा आपको कंबशन के लिए हमेशा O2 का ही इस्तेमाल करना है आपको, बिकॉज ऑक्सीजन जो है कंप्लीट बर्निंग कर देगा किसी भी चीज की, ठीक है. तो हमेशा कंबशन के लिए O2 ही लेना है आपको, और देखना है फाइनल रिएक्शन के साथ बैलेंस वगैरह कर दो, फिर सारे के सारे डेल्टा एच को प्लस कर दो और आपका काम बन जाएगा. इतना ही था बस आपके हैस लॉ में. फिर आप बोलोगे सर वो जो आप शॉर्टकट की बात कर रहे थे बेटा, इधर ध्यान दो. हम लोग ने बेटा क्या पढ़ा था, अभी बताया कि डेल्टा एच सी के लिए क्या होता बेटा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके भी आप निकाल सकते, ठीक है. रिएक्टेंट में से अगर आप प्रोडक्ट को माइनस कर दे तब भी ये काम हो जाएगा, ठीक है. रिएक्टेंट में प्रोडक्ट को माइनस करो तब भी ये काम हो जाएगा. कैसे हो जाएगा बेटा, रिएक्टेंट कितना, 2C कितना है, -4. इधर देखो ये शॉर्टकट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये शर्त क्या है कि सारे के सारे चीज कंबशन दिया हुआ है, इधर सबके कंबशन दिए हुए हम लोग को, सी के भी, H2 के भी, C2H2, तो ही आप ये शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो. अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको हैस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है. तो रिएक्टेंट में क्या, 2 इंटू कार्बन, कार्बन कितना बेटा, -400 प्लस H2 का, तो बेटा H2 ही है, तो -300, ठीक है, -300. ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, माइनस प्रोडक्ट कितना बेटा, -1300
प्रोडक्ट सी टू एच टू है ना, सी टू एच टू के लिए माइनस 1300 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 800 माइनस 1300 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। देखो माइनस 1100 प्लस 1300 कितना आ गया, 200 आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये आपका एक शॉर्टकट हो जाएगा कंबशन फाइंड आउट करने के लिए। वैसे ही आप फॉर्मेशन के लिए भी शॉर्टकट है, उधर बस एच पी माइनस एच आर है, इधर एच आर माइनस एच पी है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कब इस्तेमाल करोगे बेटा, जब सारी चीजें दी हुई हो, जब सारी चीजें मौजूद थी तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, नहीं तो फिर आपको हैस लॉ से इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8425936062 पे। या अगर कोई डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी क्लियर कर सकते हो, हस्सी_सैयद पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।